हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल इस वीडियो में देखेंगे। हम इस चैप्टर को 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल, तो उसमें केवल इंट्रोडक्शन था। अब इसमें थोड़ा सा हमें आगे इस पर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा एडवांस दिया हुआ है। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट एक बार देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो डेफिनेशन हल्की फुल्की हमने पढ़ी थी, ठीक। उसके बाद हम एक्सरसाइज वाइज इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू a0 x, a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1, a2 x टू द पावर n माइनस 2 डेल प्लस डेल डेल a n x टू द पावर 0, वेयर a0 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x टू द पावर n का जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होगा, एंड a0, a1, a2, dash, an are real numbers and each power of x is non-negative. x की जो डिग्री होती है क्या होती है? Non-negative होती है। हमने 9th में भी समझा था अच्छे से, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं और बीच में अच्छे से और समझते रहेंगे इसे। Non-negative या non-negative मतलब यानी वो होल नंबर होंगे, non-negative numbers यानी होल नंबर होगा वो, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। यानी ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है जो आपकी, ये इसकी जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक। तो और अच्छे से जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, बढ़िया से एग्जांपल लेंगे तो ये समझ में आएगा आपको। फॉर एग्जांपल px, ये एक पॉलिनोमियल है इन फॉर्म ऑफ x, यानी x के फॉर्म में एक पॉलिनोमियल आप लिखी हुई है, px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ x, यहाँ पे ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल x के फॉर्म में लिखी हुई है जिसकी डिग्री क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर ही है, यानी पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है x की डिग्री, तो ये x के फॉर्म में पॉलिनोमियल है। यहाँ पे py x y cube minus 4y square plus 3y minus 2, this is a polynomial in form of y, ये पॉलिनोमियल y के फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक। अब आगे हम और समझते हैं इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमने ये भी पढ़ लिया था कि पॉलिनोमियल की डिग्री हम कैसे बताते हैं, कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल डिग्री कैसे निकालते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पे समझते हैं एग्जांपल में, मान लीजिए पॉलिनोमियल लिखी है, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे ये वेरिएबल है तो वेरिएबल की इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री यहाँ पे 1 है। यहाँ पे क्या है, वाई के फॉर्म में पॉलिनोमियल है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है वेरिएबल की, 2 है, तो ये क्या हो, यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे जेड के फॉर्म में पॉलिनोमियल है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री 3 हो जाएगी। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, आगे और डेफिनेशन हम इसको और बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन बहुत सारी है, क्योंकि अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी हमें समझना है। हम ये चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसके आगे पढ़ना है इसे, तो आप इसे नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में देख लेते हैं कि टाइप क्या क्या होता है पॉलिनोमियल्स का। तो पहला टाइप, फर्स्ट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कांस्टेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल 4 एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो हम उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो मैंने एक जनरल फॉर्म भी लिख दिया है और एग्जांपल भी यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल px इज इक्वल टू c, c फॉर कांस्टेंट, c तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। हम एग्जांपल में ऐसा भी लिख सकते हैं कि px इज इक्वल टू 4, यहां पे x जो वेरिएबल हमने लिया है उसकी डिग्री क्या रख दी, 0, x वेरिएबल है तो उसकी डिग्री 0 कर दी, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पे उसका जनरल फॉर्म px इज इक्वल टू x प्लस b, कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। एग्जांपल यहाँ पे और भी करके एग्जांपल दे दिया, px इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक। x के फॉर्म में पॉलिनोमियल है, एक एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया 4x प्लस 3, एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, ठीक है। थर्ड आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए क्या होता है, ऐसी पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी, ठीक।
तो एग्जांपल ये जनरल फॉर्म x स्क्वायर प्लस bx प्लस c कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू 0 इसका एग्जांपल bx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 ठीक एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का एग्जांपल है ठीक है फोर्थ क्यूबिक पॉलीनोमियल अब पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल ठीक ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पॉलीनोमियल कहलाएगा तो इसका जनरल फॉर्म px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d यहां भी कंडीशन ये क्यूबिक वाला पार्ट 0 इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए तो a 0 नहीं होगा बाकी कोई भी टर्म तो बाकी किसी के भी कोफिशिएंट 0 हो सकते हैं x स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 0 हो सकता है x का भी कोफिशिएंट 0 हो सकता है या d भी 0 हो सकता है ठीक है बाकी x क्यूब का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्यूबिक नहीं बचेगा क्वाड्रेटिक हो जाएगी ये कंडीशन ठीक है तो a इज नॉट इक्वल टू 0 यहां पे इसका एग्जांपल है ठीक है तो ये इसका डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लो कि टाइप ऑफ पॉलीनोमियल क्या होगा इसके बाद आगे देखते हैं आगे कुछ और बेसिक कांसेप्ट समझते हैं इसके पॉलीनोमियल के ठीक तो आगे बेसिक कांसेप्ट है वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट अ गिवन पॉइंट है ना पॉलीनोमियल की वैल्यू गिवन पॉइंट पे क्या होती है यानी गिवन रियल नंबर दिया हुआ है उस पॉलीनोमियल की वैल्यू का बहुत ही इजी कांसेप्ट है यानी कोई हमने गिवन नंबर्स दे दिया या गिवन रियल नंबर दे दिया तो उस पॉलीनोमियल इक्वेशन एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी तो लेट कंसीडर px इज अ एनी पॉलीनोमियल हमने px से कोई पॉलीनोमियल कंसीडर कर लिया एंड अल्फा इज अ एनी रियल नंबर अल्फा कोई रियल नंबर है देन रिप्लेसिंग x बाय अल्फा हमने x की प्लेस पे क्या रख दिया अल्फा पुट कर दिया तो क्या होगा x की प्लेस पे अल्फा पुट करोगे तो जो px था वो p अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा यानी वो क्या हो जाएगा p अल्फा हो जाएगा अब यहां से और अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इस एग्जांपल में समझ लो कंसीडर करो कि लेट px कोई एक पॉलीनोमियल है इक्वेशन में रखा है 10x 10x2 10x ठीक अब क्या हो रहा है कि उस पॉलीनोमियल की वैल्यू फाइंड करो कोई x is equal to 2 जो वैल्यू है मतलब कोई रियल नंबर x is equal to 2 पे इस पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या होगी यानी वही सेम चीज कि x is equal to अल्फा पे उस पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या होगी तो x is equal to 2 पे इस पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी ठीक तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली इसको x की प्लेस पे हमें सब्स्टिट्यूट पुट करना है तो हमने पुट कर दिया ये पुट कर दें x की प्लेस पे 2 का स्क्वायर और ये प्लेस 2 ठीक 2 स्क्वायर 4 तो कितना हो जाएगा 10 4 जा 40 और ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई 20 तो 40 माइनस 20 20 हो जाएगा आगे नेक्स्ट कंसेप्ट समझ लीजिए इसको जीरो जा हो गया ठीक है यानी पॉलीनोमियल के जीरोस क्या होते हैं ठीक तो पॉलीनोमियल का जीरोस क्या होता है अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल px if p alpha equal to 0 ठीक है यानी अल्फा क्या कहलाएगा पॉलीनोमियल का 0 कहलाएगा ठीक है जब हम उसकी x मतलब उस इक्वेशन में x की प्लेस में से पुट कर दें तो इक्वेशन क्या करे उसको सेटिस्फाई करे तो उसका जीरो कहलाएगा यानी उस इक्वेशन पुट करो तो p अल्फा क्या हो जाए वो 0 के इक्वल हो जाए यहां पे एग्जांपल में समझ लो लेट px is equal to x square minus 8x plus 12 कोई पॉलीनोमियल इक्वेशन है अब इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोस होंगे इसके टू जीरोस होंगे है ना जितनी इसकी हाईएस्ट डिग्री उतने उसके जीरोस होते हैं ठीक तो यहां पे हाईएस्ट डिग्री 2 है तो जीरोस कितने होंगे 2 होंगे तो दो जीरोस होंगे ठीक है तो यहां पे आप देखो यहां पे 2 हमने पुट किया x की प्लेस पे 2 पुट कर रहे हैं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो रही 0 हो रही है यानी हमने अल्फा पुट किया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई और इसमें हम 6 भी पुट कर रहे हैं 6 पुट कर रहे हैं x की प्लेस पे 6 अगर पुट किया जाए तो भी उसकी वैल्यू क्या हो रही 0 हो रही तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 2 एंड 6 आर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल px इस px वाले पॉलीनोमियल के ये दोनों जीरोस होंगे तो इस पॉलीनोमियल का ये बेसिक्स था ठीक है तो बेसिक समझ लिया आपने अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ठीक है 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें कुछ ग्राफ दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनता है ठीक है तो ग्राफिकल पोर्शन हमें पढ़ना पड़ेगा तो ग्राफ भी समझेंगे नंबर ऑफ जीरोस कैसे काउंट करते हैं एक्स एक्सिस पे अगर लाइन कोई कर्व पे इंटरसेक्ट करता है तो जीरोस कैसे काउंट किया जाता है तो उसके बाद सब चीजें धीरे धीरे स्टार्ट होंगी हेलो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने पॉलीनोमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था जो नाइन्थ क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे
उसको हमने फिर से रिवाइज किया था, जिसमें डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमने रिवाइज किया, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल सब कुछ हमने रिवाइज कर लिया था। ठीक, अब 10th क्लास में जो भी है पहली एक्सरसाइज हमारी पॉलिनोमियल की है, तो पॉलिनोमियल में ग्राफ दिया हुआ है, तो उस ग्राफ के बिहाव पे हमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। तो पहले बता था कि इक्वेशन अगर आपको पता है तो नंबर ऑफ जीरोस इजीली बताया जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री जो होती है पॉलिनोमियल की वेरिएबल की तो उतने जीरोस होते हैं। तो अब हम ग्राफ के अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं कि इस इक्वेशन में या इस फंक्शन में कितने उसके जीरोस होंगे। तो समझिए पहली एक्सरसाइज, 10th क्लास की पहली एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल की 2.1, उसमें हमें ग्राफ के बिहाफ पे उसके नंबर ऑफ जीरोस काउंट करके बताने हैं। ठीक, तो क्वेश्चन समझिए इसका। द ग्राफ ऑफ y = p ऑफ x आर गिवन इन अ फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इन ईच केसेस। मैंने सभी ग्राफ यहां पे प्लॉट कर दिए हैं, अब हम उसे काउंट करके बता रहे हैं कैसे इसमें हम नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे। अब पहला ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ ये दिया हुआ है। ठीक, तो ये आपको तो पता ही, कोऑर्डिनेट एक्सिस है x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब ये जो हम मैंने ब्लू लाइन जो ड्रॉ करी है, ये फंक्शन है हमारा, यानी ये y is equal to px है, ये हमारा फंक्शन है। ठीक, तो हम इसमें फंक्शन y is equal to p of x लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जब ये जो कर्व है, यानी ये जो लाइन अभी ड्रॉ है, लाइन ड्रॉ है, कुछ भी कर्व बनी हुई है, ठीक है, ये इधर भी कर्व है, तो जब कर्व x एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि y is equal to px है ना, यानी हमारा जो फंक्शन है x का फंक्शन है, तो जब ये लाइन x एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोस होंगे हमारे, काउंट होंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये फंक्शन y x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, यानी नो जीरोस होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस होंगे ही नहीं। ठीक, यहाँ इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो जीरोस। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन में देखो, अब ये हमारा सेम वही y is equal to px ये फंक्शन है। ठीक है, अब ये x एक्सिस को फिर क्या सिंगल पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वन जीरोस होगा। थर्ड क्वेश्चन में ये सेम फंक्शन, ये वही फंक्शन y is equal to px, x का फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वन टू थ्री, थ्री पॉइंट पे क्या कर रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे थ्री जीरोस हो रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसी का, तो इसमें ये एक दे रखा है पैराबोलिक कर्व दे रखा है, इसमें ये 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, इसके 2 जीरोस काउंट हो रहे हैं। इस फोर्थ फिफ्थ वाले क्वेश्चन में 1 2 3 4 सेम क्वेश्चन है, y is equal to px आपका जो फंक्शन है, इसमें वही 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसमें 4 जीरोस काउंट हो रहे हैं, और यहाँ पे 1 2 3। अब यहाँ पे इस लास्ट में ध्यान दीजिएगा, जब आप बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो ये कट नहीं कर रहा था, केवल इस लाइन को टच कर रहा है, इसलिए हम इसको सिंगल ही काउंट करेंगे, क्योंकि बाकी में ये कट करेगा तो हम उसे 2 काउंट करते हैं, आप इसको केवल टच कर रहे हैं, इसलिए सिंगल ही काउंट होगा, इसलिए 1 2 3 यहाँ पे क्या होगा, 3 जीरोस काउंट होगा। आप इसे बढ़िया से समझ लीजिए, इससे पहले एक्सरसाइज में केवल ग्राफ ही दिया हुआ था, ग्राफ के बिहाफ पे हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने थे। ठीक, तो ये x एक्सिस का इंटरसेक्शन ही इसका क्या था, जीरोस था, कि x एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, वो इसका क्या होगा, जीरोस होगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसे समझिए कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस और कोफिशिएंट के बीच किस टाइप का रिलेशन होता है, इसे समझते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स, सपोज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वी आर ए इज नॉट इक्वल जीरो, तो अल्फा बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, यानी उसके रूट्स बोल सकते हैं, जीरोस बोल सकते हैं, x की दो वैल्यू हैं। ठीक है, तो इन अल्फा बीटा
और इसके कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो पहला रिलेशन हमारा होता है फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस का, इन जीरोस का सम क्या होता है। तो सम ऑफ जीरोस दैट मींस अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। हम इसे बोल सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन, तो माइनस बी अपॉन ए, बी दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी एक्स का कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दैट मीन्स ए। तो पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस दैट मींस अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। दूसरा रिलेशन इसका होता है सेकंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा, दैट मींस अल्फा इनटू बीटा, तो होता है सी अपॉन ए के इक्वल। अब सी इस इक्वेशन में क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं यहां पे, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो दो रिलेशन होते हैं, पहला रिलेशन होता है सम का और दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट का। ठीक, तो सम का रिलेशन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट का रिलेशन अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब इन सम और प्रोडक्ट की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फिर से फॉर्मुलेट कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। अगर हमें सम पता है और प्रोडक्ट पता है, सम ऑफ रूट्स सम ऑफ जीरोस पता है और प्रोडक्ट पता है, तो हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फिर से हम डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो वो भी फॉर्मूला लिख लीजिए, आगे क्वेश्चन फिर से आएगा एक्सरसाइज में, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विथ गिवन जीरोस अल्फा बीटा जीरोस है या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डायरेक्ट दिया हुआ, तो पॉलीनोमियल क्या होगा, हमारी पी ऑफ एक्स जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और मैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, सम ऑफ जीरोस ये एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आपको पता है, गिवन है, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फिर से आप डिराइव कर सकते हो या फाइंड कर सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आएगी उसमें आपको फैक्टर करना रहेगा, यानी आपको जीरोस फाइंड करने रहेंगे, जीरोस फाइंड करना रहेगा, उसमें फिर हमें अल्फा बीटा जीरोस का और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन फाइंड करना रहेगा और नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमें डिराइव करना रहेगा। तो एक्सरसाइज जो 2.3 है उसके लिए ये कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पे 2.3 एक्सरसाइज चलेगी। तो पहला जो रिलेशन था जीरोस और कोफिशिएंट के बीच, तो उसका ये फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल डिराइव करने का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, अच्छे से समझ के नोट डाउन कर लीजिए इसे।